हेलो फ्रेंड्स, क्योंकि आपने इस वीडियो को देखने का चयन किया इसलिए मैं आपको बता दूं, इस वीडियो को देखकर आप अपनी जिंदगी के तीन बेशकीमती महीने बचाने वाले हैं और साथ में आप बचाएंगे 5-6 हजार रुपए, क्योंकि आज मैं आपको सिखाने जा रहा हूं 25 इंग्लिश ग्रामर रूल्स जो आप किसी इंस्टीट्यूट में जाते हैं या कोई कोर्स ऑनलाइन भी ज्वाइन करते हैं तो कम से कम वो 2 से 3 महीने आपके ले लेंगे आपको यही 25 रूल्स सिखाने में, और साथ में आपसे लेंगे 5 से 6 हजार रुपए कम से कम। लेकिन आप इस वीडियो को अगर आप देख लेंगे तो वो अपने बेशकीमती 3 महीने और 5-6 हजार रुपए बचा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम हार्डली और नो सूनर की। जब भी कभी सेंटेंस के शुरुआत में हार्डली या नो सूनर आ जाए तो इसके बाद आती है हेल्पिंग वर्ब और फिर आता है सब्जेक्ट। और जनरली इस तरह के सेंटेंसेस में 2 क्लॉज होते हैं, तो जो दूसरा क्लॉज होगा उस क्लॉज से पहले आ जाता है देन, THEN, देन। देखिए एग्जाम्पल दोस्तों, Hardly had he returned to Gorakhpur than the party called him back to Delhi। तो यहाँ आप देख सकते हैं दोस्तों कि hardly आया है शुरुआत में, तो उसके बाद आ गई है helping verb had और फिर subject, और दूसरा जो clause है उससे पहले आ गया THEN then। इसी तरह no sooner had he finished his speech than the lights went out। तो no sooner जब शुरुआत में आ गया तो उसके बाद आ जाती है helping verb और फिर आता है subject, और जो second clause है उससे पहले आ जाता है THEN then। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, एनी ऑफ, वन ऑफ, ईच ऑफ, नीदर ऑफ, ईदर ऑफ के बाद नाउन या प्रोनाउन का यूज करते हैं, वो भी प्लूरल, लेकिन जो वर्ब आएगी वो सिंगुलर होगी। नाउन या प्रोनाउन जो होगा वो प्लूरल होगा लेकिन वर्ब जो होगी वो सिंगुलर होगी। एग्जाम्पल देखिए दोस्तों, इफ एनी ऑफ योर फ्रेंड्स इज इंटरेस्टेड लेट मी नो। तो एनी ऑफ के बाद क्या लिखा है, योर फ्रेंड्स, प्लूरल है लेकिन वर्ब क्या है, सिंगुलर इज। One of the candidates was selected. Candidates plural है लेकिन verb जो है singular है। Each of my family members plural है, उसके बाद आया verb is, honest and kind, जो कि है singular। Next है neither of us has any money. Neither of us, us जो है plural है और उसके साथ verb आई है singular। इसी तरह neither of them, them plural है उसके साथ verb आई है singular। Either of them, them plural है उसके साथ verb आई है was, absent from office। either of them भी plural है, them उसके साथ verb आई है singular, has been to खलीलाबाद। Next है दोस्तों none of, none of में दोस्तों उल्टा हो जाता है, none of में उल्टा, in the sense none of के बाद जो noun या pronoun आएगा वो plural ही रहता है लेकिन साथ में verb भी plural हो जाती है। यहां देखिए none of the batteries are the right kind, तो none of के बाद batteries जो है plural है और verb are है जो कि plural है। इसी तरह none of the books are worth reading, तो जो books है वो plural है और verb are है वो भी plural है। अब देखिए दोस्तों 100, 1000, 1,000,000 और billion, इससे पहले अगर हम गिनती का यूज करते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 कुछ भी, तो 100, 1000, 1,000,000 या billion के साथ s नहीं जुड़ता है। हाँ हम hundreds of, thousands of, millions of, billions of जरूर बोल सकते हैं, लेकिन अगर हमने counting का use किया 100, 1000, 1,000,000 या billion से पहले तो भी इनमें s नहीं जुड़ता। Example देखिए दोस्तों, the government made 200 houses, तो कितने घर बनाए, 200, s नहीं जुड़ा है दोस्तों। He spent 50,000 rupees, कितने पैसे खर्च किए, 50,000, s नहीं जुड़ा है। I have saved 3 million dollars, यहाँ पे भी मिलियन के साथ एस नहीं जुड़ा है। They raised $2 billion for the company, कितने रेस किए, $2 billion, तो बिलियन के साथ एस नहीं जुड़ता है। नेक्स्ट है दोस्तों मिलियंस ऑफ, जैसा कि मैंने कहा मिलियंस ऑफ हम बोलते हैं, बिलियंस ऑफ भी बोलते हैं, हंड्रेड्स ऑफ भी बोलते हैं, थाउजेंड्स ऑफ भी बोलते हैं। तो यहां मिलियंस ऑफ अमेरिकन पेरेंट्स हैव बीन स्ट्रगलिंग विद मेंटल हेल्थ। World Bank spent billions of dollars backing fossil fuels in 2022. तो दोस्तों याद रखिए millions of, billions of बोल सकते हैं, hundreds of भी बोल सकते हैं, thousands of भी बोल सकते हैं, लेकिन इनके साथ अगर गिनती आ गई शुरुआत में तब हम s नहीं लगाते हैं। Clothes, clothes जो है दोस्तों हम सिले, जो कपड़े सिल चुके हैं उन कपड़ों को clothes बोलते हैं, जो पहनने के लिए तैयार हैं, जिसे हम पहनते हैं, और ये plural है। अगर हमें एक कपड़े की बात करना हो तब हम बोलते हैं एन आइटम ऑफ क्लोदिंग, क्या बोलते हैं, एन आइटम ऑफ क्लोदिंग, या फिर एन आर्टिकल ऑफ क्लोदिंग, या फिर हम बोलते हैं अ पीस ऑफ क्लोदिंग। तो
तो दोस्तों क्लोथ्स का अगर सिंगुलर बोलना हो तो हम बोलेंगे एन आइटम ऑफ क्लोदिंग, अ पीस ऑफ क्लोदिंग, एन आर्टिकल ऑफ क्लोदिंग। एन अ पीस ऑफ क्लोथ्स नहीं बोलेंगे दोस्तों, एन आर्टिकल ऑफ क्लोथ्स भी नहीं कहेंगे और एन आइटम ऑफ क्लोथ्स भी नहीं कहेंगे, वहां क्लोदिंग हो जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों, ही गोज टू स्कूल कॉलेज एवरी डे, शी इज गोइंग टू हॉस्पिटल बिकॉज शी इज इल, ही वॉज फाउंड गिल्टी एंड सेंट टू प्रिजन। दोस्तों यहां आप गौर करेंगे, जहां स्कूल कॉलेज लिखा है, जहां हॉस्पिटल लिखा है और जहां पे प्रिजन लिखा है। प्रिजन का मतलब होता है दोस्तों जेल, तो उससे पहले द नहीं लगा है। और द क्यों नहीं लगा है वो मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि जब हम किसी स्टूडेंट की बात करते हैं और स्कूल कॉलेज की बात करते हैं तो हम द का यूज नहीं करते हैं। इसी तरह पेशेंट अगर हॉस्पिटल जा रहा है तो भी हम हॉस्पिटल से पहले द नहीं लगाते हैं, और कोई कैदी जेल में है या जेल जा रहा है तो उस प्रिजन या जेल से पहले भी हम द नहीं लगाते हैं। जब कोई दूसरा व्यक्ति किसी और खास प्रयोजन से उस जगह पे जा रहा है, स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल या जेल, तब हम द लगाते हैं। एग्जाम्पल देखिए दोस्तों, He went to the school to meet his daughter's teacher. तो यहां हमने स्कूल से पहले द लगाया, क्यों? क्योंकि वो अपनी बेटी की टीचर से मिलने जा रहा है, वो वहां विद्यार्थी नहीं है, उसकी बेटी है वहां विद्यार्थी। I will visit the school to see you, I will visit the hospital to see one of my friends tomorrow. तो दोस्तों यहां हॉस्पिटल से पहले द लगाया, क्यों? क्योंकि वो मरीज नहीं, मैं मरीज नहीं हूं, यहां आई का जिक्र किया है, तो मैं मरीज नहीं हूं, मैं अपने एक दोस्त को देखने के लिए वहां कल जाऊंगा। A plumber was called in to fix the pipes at the college. एक प्लम्बर को बुलाया गया किस लिए? पाइप को फिक्स करने के लिए कॉलेज में। तो वो वहां पढ़ने नहीं जा रहा है, पाइप फिक्स करने जा रहा है, इसलिए कॉलेज से पहले द आया है। She went to the prison to inspect it. वो जेल गई, क्यों गई? इंस्पेक्ट करने, यानी कि निरीक्षण करने जेल का। वो कैदी नहीं थी तो इसलिए वहां पे द प्रिजन का यूज किया गया है। नेक्स्ट है दोस्तों, फ्लेमेबल इनफ्लेमेबल। आपको देख के लग रहा होगा कि फ्लेमेबल का ऑपोजिट या एंटोनिम है इनफ्लेमेबल, मगर दोस्तों ऐसा नहीं है। यहाँ पे इन दोनों ही वर्ड्स का मीनिंग सेम है, फ्लेमेबल बोलो या इनफ्लेमेबल बोलो, दोनों का ही मीनिंग होता है ज्वलनशील, यानी कि कोई ऐसी चीज जो बहुत तेजी से आग पकड़ लेती है। तो एग्जाम में अगर आ जाए फ्लेमेबल इनफ्लेमेबल तो कंफ्यूज मत होना, दोनों का मीनिंग सेम होता है, फ्लेमेबल का ऑपोजिट नहीं है इनफ्लेमेबल। The table was made of wood. Table जो है वो wood की बनी है और यहाँ पे made of आया है। इसी तरह house is generally made of brick लिखा है। तो brick जो होता है वो ईंट को कहते हैं दोस्तों। तो यहाँ made of है, made of, from नहीं है दोनों ही sentences में। क्यों? क्योंकि जब हम कोई चीज बनाते हैं किसी material का use करके और फिर भी वो material वही रह जाता है, तब हम made of का use करते हैं। जैसे कि लकड़ी की बनी है कुर्सी, लेकिन है तो अभी भी लकड़ी, इसलिए मेड ऑफ आया है। और इसी तरह घर, घर बना है ईंटों से, लेकिन है तो वो भी अभी ईंटें ही, तो इसलिए हमने मेड ऑफ का यूज किया है। लेकिन जब उसमें बदलाव आ जाता है मटेरियल में जो यूज करके हम कुछ और बनाते हैं, तब मेड फ्रॉम आता है। जैसा कि यहां एग्जाम्पल देखिए दोस्तों, पेपर इज ऑल्सो मेड फ्रॉम वुड। तो पेपर किसका बनता है? वुड का। अब देखिए दोस्तों, पेपर जो है वो वुड से बन गया, अब उसमें वुड है यानी लकड़ी है? नहीं है, तो इसलिए यहाँ है मेड फ्रॉम। इसी तरह दिस सॉस इज मेड फ्रॉम मिंट एंड टैमरिंड, यहाँ पे भी मेड फ्रॉम आया। क्यों? क्योंकि जो सॉस है, या कह सकते हैं हम चटनी अपनी भाषा में, वो मिंट और टैमरिंड से बनी है। मिंट बोलते हैं दोस्तों हम पुदीने को और टैमरिंड बोलते हैं इमली को। तो अब जब चटनी बन गई तो वो चटनी में आप ढूंढ के बता सकते हैं कि कौन सा मिंट और कौन सा इमली है? नहीं बता सकते ना। तो जब ऐसे चेंज हो जाता है, उसका रूपांतरण हो जाता है जिस चीज से वो बनी है, तब मेड फ्रॉम का यूज करते हैं हम, अन्यथा मेड ऑफ का यूज करते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, ऑन द फ्रंट ऑफ। जब हम बाहर वाली आगे की सतह की बात करते हैं तो ऑन द फ्रंट ऑफ का यूज करते हैं। इन फ्रंट ऑफ का मतलब होता है के सामने, और एट द फ्रंट ऑफ का मतलब ये होता है के सामने लिख, या फिर आगे वाले हिस्से में, किसी चीज के अंदर। एग्जाम्पल देखिए दोस्तों, समबडी थ्रू एग्स ऑन द फ्रंट ऑफ माई कार। तो किसी ने अंडे फेंके मेरी कार के फ्रंट पर, फ्रंट मतलब बाहर वाली सतह पर, उसके फ्रंट पर फेंके हैं।
तो इसीलिए यहां है ऑन द फ्रंट ऑफ। आई पार्क्ड माय कार इन फ्रंट ऑफ द हाउस, घर के आगे कार पार्क की है, इसलिए इन फ्रंट ऑफ आया, घर में पार्क नहीं की है और ना ही घर की सतह पे पार्क की है। द टीचर मेड मी स्टैंड एट द फ्रंट ऑफ द क्लास एंड स्पीक, टीचर ने मुझे कहां खड़ा किया, एट द फ्रंट ऑफ द क्लास, क्लास में यानी क्लास के सबसे आगे वाले हिस्से में जहां से सारे स्टूडेंट्स मुझे देख पाए, तो इसलिए यहां एट द फ्रंट ऑफ है, जब कोई चीज है जिसके अंदर वाले हिस्से के आगे के हिस्से की बात करनी है तब एट द फ्रंट ऑफ का यूज करेंगे हम। नेक्स्ट है दोस्तों द हेवंस। द हेवंस का मतलब होता है द स्काई। जब हम हेवन द हेवंस का यूज करेंगे तो प्लूरल वर्ब का ही यूज करेंगे, लेकिन उसका जो मीनिंग होता है वो द स्काई सिंगुलर ही होता है। द हेवंस हैव ओपनड अप, द हेवंस हैव ओपनड अप का मतलब है कि बारिश शुरू हो गई है, इट हैज स्टार्टेड रेनिंग। नेक्स्ट है दी ओल्ड। दी ओल्ड का मतलब होता है ओल्ड पीपल, द रिच का मतलब होता है रिच पीपल और द पुअर का मतलब होता है पुअर पीपल। दी ओल्ड, दी रिच और द पुअर, इनका यूज हम तब करते हैं तो प्लूरल फॉर्म में ही करते हैं, मतलब इसके बाद जो वर्ब आएगी वो प्लूरल ही आएगी। नेक्स्ट है दोस्तों आई हैव हंगर, प्लीज गिव मी फूड। ये रॉन्ग है, आई हैव हंगर हम कभी भी नहीं बोल सकते हैं। अगर आपने आई हैव हंगर बोला या लिखा तो आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा, हमेशा होता है आई एम हंग्री, आई एम हंग्री प्लीज गिव मी फूड, आई एम हंग्री होता है, आई हैव हंगर नहीं। लेकिन हम आई हैव अ हंगर जरूर बोल सकते हैं, लेकिन उसमें मीनिंग चेंज हो जाता है। देखिए कैसे, जब हम कहते हैं अ हंगर फॉर तो इसका मीनिंग हो जाता है अ स्ट्रॉन्ग डिजायर फॉर, शी हैज अ हंगर फॉर मनी, यानी कि उसे पैसों की एक स्ट्रॉन्ग डिजायर है। वी ऑल हैव अ हंगर फॉर सक्सेस, अ हंगर फॉर सक्सेस, तो यहां पे भी सक्सेस की हम लोगों में स्ट्रॉन्ग डिजायर है। तो जब हम स्ट्रॉन्ग डिजायर की बात करेंगे तो अ हंगर फॉर हम बोल सकते हैं, लेकिन आई हैव हंगर आप बोलेंगे तो वो रॉन्ग हो जाता है अगर फूड की बात करते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों काइंड। काइंड का दो मतलब होते हैं, एक तो होता है दयालु, यहां हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, दूसरा मीनिंग होता है टाइप, तो हम यहाँ टाइप की बात कर रहे हैं। काइंड जो वर्ड है वो काउंटेबल नाउन है, तो पीपल ऑफ ऑल काइंड वर प्रेजेंट देयर लिखा है। आपको लग रहा होगा ये सेंटेंस करेक्ट है, लेकिन ये रॉन्ग है दोस्तों, यहाँ पे ऑल काइंड लिखा है और इसी तरह से दोज काइंड ऑफ पीपल वर ग्रीडी एंड सेल्फिश, यहाँ पे भी काइंड लिखा है और ये गलत है। ऑल काइंड नहीं, हम ऑल काइंड्स बोलेंगे, क्योंकि काइंड जो है वो काउंटेबल नाउन है, तो जब ऑल आ गया तो वहां काइंड्स प्लूरल हो जाएगा, ऐसे यहां दोज आ गया तो वहां पे काइंड्स आ जाएगा। पीपल ऑफ ऑल काइंड्स वर प्रेजेंट देयर, ये करेक्ट है, दोज काइंड्स ऑफ पीपल ये करेक्ट है। तो याद रखिए दोस्तों काइंड जो है वो काउंटेबल नाउन है और काउंटेबल होने की वजह से उसके साथ हम सिंगुलर और प्लूरल का यूज करेंगे। अगर हम एक से ज्यादा चीजों की बात कर रहे हैं तो काइंड्स हो जाएगा, एक चीज की बात कर रहे हैं तो काइंड रहेगा। नेक्स्ट है दोस्तों एथिक्स, मैथमेटिक्स, मिजल्स, पॉलिटिक्स, रिकेट, स्टेटिस्टिक्स, समन्स, फिजिक्स, न्यूज, एथलेटिक्स, ये जितने भी वर्ड हैं आप गौर करेंगे सबके लास्ट में एस आया है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये सभी प्लूरल्स हैं, ये सारे के सारे वर्ड सिंगुलर हैं और सिंगुलर नाउन की तरह ही यूज होते हैं और इनके साथ वर्ब भी सिंगुलर ही आती है। इन दोस्तों इन वर्ड्स को ध्यान से देख लीजिए और समझ लीजिए, याद रखिए कि ये सारे सिंगुलर नाउन्स हैं और इनके साथ वर्ब भी सिंगुलर आएगी। एथिक्स, मैथमेटिक्स, मीजल्स, पॉलिटिक्स, रिकेट्स, स्टेटिस्टिक्स, समन्स, फिजिक्स, न्यूज, एथलेटिक्स। रिकेट्स जो है दोस्तों ये एक बीमारी होती है और जो मिजल्स है ये भी एक बीमारी होती है और आई थिंक बाकी सब वर्ड्स के बारे में आपको जानकारी पहले से है। नेक्स्ट दोस्तों लेटली। लेटली का मीनिंग तो होता ही तो रिसेंटली, लेकिन जो रिसेंटली वर्ड है वो तो हम कई सारे सेंटेंसेस में, कई तरह के टेंसेस में यूज कर लेते हैं। अगर हमें लेटली यूज करना है तो हम दो ही टेंस में इसका यूज कर सकते हैं। लेटली वर्ड का यूज हम दो ही टेंस में यूज कर सकते हैं, एक है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और एक है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस।
He has been feeling better lately. यह present perfect continuous tense. He has been feeling better lately. I haven't met him lately. तो देखिए दोस्तों यह present perfect tense और ऊपर वाला था present perfect continuous tense. तो lately का use हम सिर्फ दो ही tenses में कर सकते हैं, present perfect tense and present perfect continuous tense. Go for swimming अगर हम कहते हैं दोस्तों तो wrong होगा. Go to swim कहेंगे तो भी wrong होगा. Correct होता है go swimming और go for a swim. ठीक है दोस्तों, go for swimming कहेंगे तो wrong होगा, correct है go swimming. इसी तरह go to swim कहेंगे तो wrong होगा, बोलेंगे go for a swim, ये correct होता है. Next है दोस्तों example देखिए, do you ever go for swimming? तो यहां पर ये रॉन्ग है क्योंकि गो फॉर स्विमिंग है, गो फॉर स्विमिंग नहीं होता है, गो स्विमिंग. डू यू एवर गो स्विमिंग, ये करेक्ट है दोस्तों. आई वेंट टू स्विम, गो टू स्विम होता ही नहीं तो ये रॉन्ग है, ये है रॉन्ग. और करेक्ट है आई वेंट फॉर अ स्विम, तो ये हो गया करेक्ट. ठीक है दोस्तों, याद रहेगा गो स्विमिंग बोलते हैं और गो फॉर अ स्विम बोलते हैं. नेक्स्ट है दोस्तों, गो क्यों लिखा है मैंने यहां पर, गो इसलिए लिखा है क्योंकि गो के बाद जनरली टू आता है, आपको पता ही है जब भी हम किसी जगह का नाम लेना उसके बाद. लेकिन अगर हम जर्नी की बात कर रहे हैं तो गो के बाद टू नहीं आएगा, गो ऑन अ जर्नी आएगा. ट्रिप की बात कर रहे हैं तब भी गो ऑन अ ट्रिप आएगा. टूर की बात करें तो गो ऑन अ टूर आएगा. और इस तरह गो ऑन एन एक्सकर्शन आएगा. एक्सकर्शन का मतलब होता है दोस्तों सैर सपाटे के लिए जो हम यात्रा करते हैं, कहीं जाते हैं तो उसको बोलते हैं एक्सकर्शन, गो ऑन एन एक्सकर्शन. तो दोस्तों याद रहेगा गो ऑन अ जर्नी, गो ऑन अ ट्रिप, गो ऑन अ टूर एंड गो ऑन एन एक्सकर्शन होता है. इनसे इनसे पहले टू नहीं लगाएंगे, ऑन लगाएंगे. गो और जर्नी, गो और ट्रिप के बीच में गो ऑन टूर, गो ऑन एन एक्सकर्शन. नेक्स्ट है दोस्तों, गो के बाद मैंने आपको बताया टू आता है, लेकिन तीन जगह ऐसी है अगर वो वर्ड आ जाए गो के बाद तो टू नहीं आता है. और वो है होम, देयर और अब्रॉड. हम कहते हैं गो होम, गो टू होम कहेंगे तो गलत हो जाएगा. गो देयर बोलते हैं, गो टू देयर बोला तो भी गलत हो जाएगा. गो अब्रॉड करेक्ट है, गो टू अब्रॉड बोल दिया तो भी रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि अब्रॉड जो है एक कोई निश्चित जगह नहीं है, इसका मतलब होता है विदेश. और विदेश कोई निश्चित नहीं होता, वो कोई भी कंट्री हो सकती है. नेक्स्ट है दोस्तों, विच या व्हाट, विच का यूज करेंगे या व्हाट का यूज करेंगे तो बहुत आसान है दोस्तों. जब हम निश्चित चीज की बात कर रहे होंगे, निश्चित संख्या की जिससे हम पूछ रहे हैं उसको मालूम है या हमें भी मालूम है कि कितनी चीजों के बारे में हम बात कर रहे हैं तो विच का यूज किया जाता है. जब संख्या सीमित नहीं है, फिक्स नहीं है, तब व्हाट का यूज किया जाता है. एग्जाम्पल देखिए दोस्तों, विच इज योर फेवरेट कलर, यहां विच इज बोला है क्यों, क्योंकि हमने बात की है रेड और पिंक की, कि रेड और पिंक, रेड है या पिंक है तुम्हारा फेवरेट कलर. लेकिन नेक्स्ट सेंटेंस देखिए दोस्तों, व्हाट इज योर फेवरेट कलर. अब यहां पे व्हाट आया है, विच नहीं. आप ये नहीं बोल सकते विच इज योर फेवरेट कलर. उसका रीजन ये है दोस्तों कि कलर यहां पे कोई चॉइस नहीं दे रखी है कि कितने कलरों के बीच में चुन के बताना है, एंडलेस चॉइस है आपके पास. नेक्स्ट है दोस्तों, व्हेन, एज सून एज, बिफोर, अनटिल, अनलेस. जब इनके बाद हम किसी सेंटेंस का जिक्र करते हैं, और इसलिए करते हैं क्योंकि हमें फ्यूचर की बात करनी है, तो फ्यूचर टेंस का यूज नहीं करते हैं, हम प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं. When, as soon as, before, until, unless के बाद अगर हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं तो फ्यूचर टेंस नहीं, प्रेजेंट टेंस ही आएगा. एग्जाम्पल देखिए दोस्तों, when he comes, when he comes का मतलब है जब वो आएगा. हम बोल रहे हैं फ्यूचर की बात, लेकिन टेंस जो है वो प्रेजेंट में ही आएगा. I will ask him about it. नेक्स्ट है दोस्तों, I will call her as soon as I finish my dinner. तो as soon as, जब मैं अपना डिनर खत्म कर लूंगा,
मतलब कि अपना डिनर खत्म करते ही मैं उसे कॉल करूंगा या उसे बुला लूंगा। तो एज सून के बाद हम बात करें फ्यूचर की, लेकिन टेंस जैसा कि मैंने आपको बताया प्रेजेंट का ही आता है। यू शुड क्लीन द किचन बिफोर योर पेरेंट अराइव्स। यहाँ पे दोस्तों एक छोटी सी मिस्टेक है, योर पेरेंट्स आएगा, ये हो गया योर पेरेंट्स। तो आपके पेरेंट्स जब तक आएंगे उससे पहले हमें किचन, मतलब कि तुम्हें किचन साफ कर लेना चाहिए। तो ये भी है प्रेजेंट टेंस, बात लेकिन हम फ्यूचर की कर रहे हैं। आई वॉन्ट गो ऑफ अंटिल द पुलिस रीच हियर। दोस्तों पुलिस, द पुलिस जो होता है वो प्लूरल है, इसलिए यहां वर्ब भी प्लूरल रीच आई है और ये है प्रेजेंट टेंस। लेकिन हमने बात की है फ्यूचर में कि मैं तब तक नहीं जाऊंगा जब तक पुलिस नहीं आ जाती। He will not be able to go to Goa. वो गोवा नहीं जा पाएगा। क्यों नहीं जा पाएगा? Unless he saves enough money. जब तक वो पर्याप्त पैसे, मतलब कि पर्याप्त पैसे नहीं जुटा लेगा। तो यहाँ पे बात हम फ्यूचर की कर रहे हैं, लेकिन टेंस जो है जैसा कि मैंने कहा प्रेजेंट इंडेफिनेट में ही बनता है या प्रेजेंट टेंस में बनता है। नेक्स्ट है दोस्तों आई विश। आई विश के बाद हम वॉज का यूज कभी नहीं करते हैं, वर का यूज करते हैं, चाहे सब्जेक्ट जो भी हो वॉज का यूज नहीं करेंगे, वर का ही यूज करेंगे आई विश के बाद। आई विश आई वर रिच, काश मैं अमीर होता। आई विश शी वर हेयर नाउ, काश वह यहां होती अभी, काश वह यहां अभी होती। तो हम आई विश के बाद वॉज का नहीं वर का यूज करते हैं दोस्तों, याद रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों वर्थ। वर्थ के बाद अगर हम वर्ब का यूज करेंगे, अगर वर्थ के बाद हम वर्ब का यूज करेंगे तो वो आईएनजी के साथ ही करेंगे, बिना आईएनजी के आपने कर दिया तो सेंटेंस हो जाएगा गलत। ऑल फिल्म्स ऑफ राजकुमार हिरानी आर वर्थ वॉचिंग। वर्थ टू वॉच नहीं कह सकते दोस्तों, वर्थ वॉचिंग ही होता है। टाटा व्हीकल्स आर वर्थ बाइंग। वर्थ बाइंग करेक्ट है दोस्तों, वर्थ टू बाय बोला तो वो रॉन्ग हो जाएगा आपका। वर्थ के साथ वर्ब अगर आएगी तो आईएनजी के साथ ही आएगी। नेक्स्ट है दोस्तों ऑन द रेट ऑफ, अगर हम बोलेंगे तो ये हो जाता है रॉन्ग, और एट द रेट ऑफ बोलते हैं तो होता है करेक्ट। याद रखिए दोस्तों एट द रेट ऑफ बोलेंगे, ऑन द रेट ऑफ बोला तो हो जाएगा रॉन्ग, ऑन द मिड 90s बोला तो हो जाएगा रॉन्ग, ये हो जाएगा रॉन्ग, करेक्ट है इन द मिड 90s। ठीक है दोस्तों, अगर हम बात करेंगे द मिड तो उसके साथ इन आता है, इन द मिड 90s, इन द मिड 20s, इन द मिड लास्ट सेंचुरी। इसी तरह एट द रेट ऑफ 1800 किलोमीटर पर आवर करेक्ट है, ऑन द रेट ऑफ बोलेंगे तो रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों लास्ट नाइट, यस्टरडे नाइट या यस्टरडे, ऐसा कुछ आप देखते हैं किसी सेंटेंस में तो वो सेंटेंस हमेशा पास्ट इंडेफिनेट में बनेगा और किसी और टेंस में आप मत बनाना। द थीफ न्यू दैट नो वन वॉज एट होम लास्ट नाइट। देखिए दोस्तों उसने बात की लास्ट नाइट की, क्या पता था थीफ को, तो यहां गई न्यू सेकेंड फॉर्म। वी वेंट टू अ पार्टी यस्टरडे नाइट, यस्टरडे नाइट का जिक्र है इसलिए सेकेंड फॉर्म आ गई, पास्ट इंडेफिनेट में वर्ब की सेकेंड फॉर्म आती है पॉजिटिव सेंटेंस में। वी मेट टू डिस्कस इट यस्टरडे, वी मेट टू डिस्कस इट यस्टरडे, हम यस्टरडे मिले थे, तो यहां पर आ गई वर्ब की सेकेंड फॉर्म यानी कि पास्ट इंडेफिनेट टेंस। तो याद रखिए दोस्तों लास्ट नाइट, यस्टरडे नाइट या सिर्फ यस्टरडे हो तो आप वो सेंटेंस बनेगा पास्ट इंडेफिनेट में। नेक्स्ट है दोस्तों बेयरली, स्केयर्सली एंड हार्डली, तीनों का मीनिंग सेम होता है, मतलब कि ऑलमोस्ट नॉट, बेयरली स्केर्सली एंड हार्डली तीनों का ही मीनिंग होता है ऑलमोस्ट नॉट। और इसका यूज हम नेगेटिव सेंटेंसेस में कभी नहीं करते हैं क्योंकि बेयरली स्केर्सली और हार्डली अपने आप में ही नेगेटिव वर्ड है। आप जैसे कि यहां देखिए आई डोंट हार्डली नो हर रॉन्ग है, यह है रॉन्ग, और करेक्ट है आई हार्डली नो हर, ये करेक्ट है। नेक्स्ट है दोस्तों She was so tired, she could not barely stand. ये wrong है क्योंकि could not लिखा है और barely negative sentence में नहीं बनता है, सही है She was so hard, she could barely stand up.
Next है she spoke so quietly that I could not scarcely hear her. तो I could not scarcely hear her ये wrong है क्योंकि मैंने जैसा बताया आपको scarcely, barely और hardly को negative sentences में नहीं use कर सकते हैं. Correct है she spoke so quietly that I could not, ये यहाँ पे भी ये wrong ही लिखा है दोस्तों, could not आ गया है. Correct होगा she spoke so quietly that I could scarcely hear her. I could scarcely hear her. ये correct होगा. ये sentence wrong है. तो दोस्तों याद रहेगा आपको could barely को का use और scarcely का use हम negative sentences में नहीं करते हैं. Next है दोस्तों due to, और ये है आज का last rule. Due to का use हम सेंटेंस की शुरुआत में कभी नहीं करते हैं, ग्रामेटिकली ये रॉन्ग होता है. आप कभी भी ड्यू टू से कोई सेंटेंस नहीं शुरू कर सकते हैं. ड्यू टू रेन द मैच वॉज कोल्ड ऑफ, ये है रॉन्ग क्योंकि ड्यू टू हमने लगा दिया है शुरू में ड्यू टू नहीं आता है. करेक्ट सेंटेंस होगा द मैच वॉज कोल्ड ऑफ ड्यू टू रेन, ये करेक्ट है दोस्तों. तो याद रहेगा दोस्तों ड्यू टू हम सेंटेंस की शुरुआत में यूज नहीं कर सकते हैं. आज के लिए दोस्तों इतना ही. अगर वीडियो अच्छा लगा हो, आपको लगता हो कि आपको मदद हुई है इंग्लिश के रूल्स को समझने में, तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को लाइक कर दें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस वीडियो को फैला दें ताकि उनकी भी मदद हो सके, खासतौर पर आपके दोस्तों की, क्योंकि दोस्ती का मतलब ही है कि आप अपने दोस्तों की मदद करें. आज के लिए इतना ही दोस्तों. आशा करता हूं कि आप आगे भी मेरे वीडियो देखते रहेंगे और जल्द ही मेरे वीडियोस की मदद से आप एसएससी का एग्जाम क्लियर कर लेंगे. इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स. बाय फ्रेंड्स.